हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर्स नॉलेज। तो आज हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मैथ में रियल नंबर वास्तविक संख्या का, जो आप लोगों को जो है मैथ का फर्स्ट चैप्टर का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सब है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसका कराने वाले हैं। तो आज हम कराने वाले हैं वास्तविक संख्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझ रहे हैं ना। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इससे आपका 10 नंबर जरूर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, यह मॉडल पेपर से लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि मॉडल पेपर का मैथ ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए यहाँ पे कि तीन माइनस रूट थ्री क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग पहले सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि वह क्या है। दो नंबर में देखिए, दो नंबर का क्वेश्चन है, पहले आप लोग सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है, तब आपको जो है इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन को देखिए और बताइए। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका आप लोग बता सकते हैं, इसका आंसर आप निकाल रहे हैं, तैयार रहे। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। तो चलिए अब देखते हैं कि तीन नंबर में क्या है। तीन नंबर का देखिए आप लोग, तीन नंबर का यहाँ पर आप लोगों को है, तीन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताइए कि कौन है, कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप लोग सोच लिए हैं। तो इसका आंसर निकल के आ गया है क्या, सी नंबर। तो रूट क्या है, रूट अंडर थ्री अपॉन फाइव, तीन बटा पाँच। तो यहाँ पे देखिए अब वह है चार नंबर में। चार नंबर का क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो चार नंबर में यहाँ पे देखिए क्या है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या, इसमें से आपको 10 नंबर आएगा ही, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव से आएगा ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव से भी इसमें से 10 नंबर आएगा, ठीक ना, रियल नंबर से। यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या, बिल्कुल बता सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका क्या आंसर निकल के आता है, बी। यहाँ पे आंसर इसका बी आया। चलिए यहाँ पे देखिए पाँच नंबर का क्वेश्चन है। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाँच नंबर क्वेश्चन की टू अंडर रूट नाइन क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग सोच सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका आंसर चलिए बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल के आया है बी नंबर, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सिक्स नंबर में है, यहाँ पे देखिए आप लोग बता सकते हैं कि निम्नलिखित में, निम्नलिखित क्या है यहाँ पे, कि निम्नलिखित में क्या पाई बटा टू क्या है, क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले अपना मन में सोचिए क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन अब क्या कहते हैं, इसको निकालते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बी नंबर का क्वेश्चन आ गया है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला यहाँ पे देखिए आ गया है सात नंबर का क्वेश्चन। और सात नंबर देखिए क्या है, सात नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है, निम्नलिखित में कौन आभास संख्या है। तो आप लोग सोच लिए हैं, तो चलिए आंसर को रिव्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए आ गया सी नंबर, इसका आंसर 11 नंबर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। और अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1440 में दो का अधिकतम घात कितना है, दो का अधिकतम घात कितना होना चाहिए। तो आप लोग बता सकते हैं इसको सॉल्व करके, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका आंसर ठीक ठीक आता है कि नहीं। तो चलिए आंसर आउट करते हैं, इसका आंसर निकल गया सी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नौ नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में क्या है, कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, आप लोग पहले सोचिए। तो चलिए यहाँ पे फिर इसका आंसर आउट करते हैं। तो इसका आंसर निकल के आया है बी, टू रूट, यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा, तो टू रूट अपॉन रूट टू, ठीक ना। यह इसका आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं कि 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में देखिए इसका आंसर निकल के आया है
कि पहले देखिए इसको बनाइए, ठीक ना। तो ये जो है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे आप लोग बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका आप लोग पहले सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए आंसर आउट करते, वीडियो को पॉज करके पहले देख लीजिए आपका आंसर ठीक आएगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आंसर आता है। तो हाँ, यहाँ पे डी नंबर का क्वेश्चन, डी नंबर इसका आंसर आया है रूट अंडर 75 बटा रूट अंडर 48। तो चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर में क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि दो क्रमिक सम संख्या, क्या है दो क्रमिक सम संख्याओं का एलसीएफ होगा, कितना होगा आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं, आप लोग पहले सोचिए, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर में क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर देखिए आप लोग को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसका आंसर बी नंबर है कि रूट क्या है 2√2/3√3 इसका आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आंसर दिखाई पड़ गया। तो चलिए एक दो को मतलब कि आपको यहाँ पे अपना पर कॉन्फिडेंट रखना है कि हम कितना ला सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बिना आंसर को देखिए आप लोग यहाँ से क्या कहते हैं कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर देखिए क्या निकल के आएगा, दो या दो से अधिक आभास संख्या का मौसम कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है A1। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, इसका आंसर आउट कर रहा हूँ, इसका आंसर है डी नंबर अनंत। तो चलिए अगला देखते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सोचिए, यहाँ पे क्वेश्चन को आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आंसर। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर √2.5। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर का है, यहाँ पे देखिए 16 नंबर का है क्या है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। ओके, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों को क्या है कि तीनों को पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। तो यहाँ पे आपको टाइम बताना है कि क्या टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा पहले आप लोग सोच सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग को ऑप्शन थोड़ा दिखा देते, तो चलिए इसमें से आप लोग बता सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए आंसर आउट कर रहा हूँ, इसका आंसर हो गया सी। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है। तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटे 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर भी फिर मिलने में कितना समय लगेगा, मतलब जहाँ से वह चला था। तो मतलब कि फिर जो है उसको प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना टाइम लगेगा, आप लोग यहाँ पे इसका लॉसो निकाल के आप लोग बता सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देख रहे हैं, आंसर है डी नंबर 15 घंटे। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे अगला इसका क्वेश्चन है कि भाग लेमा, क्या है कि भाग लेमा A=BQ+R में Q=0 होगा जब, यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है कि यह कब होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि यहाँ पे A नंबर इसका आंसर हो गया। तो चलिए 19 नंबर का देखते हैं कि 19 नंबर में क्या आंसर आना चाहिए। तो 19 नंबर का है कि भाग लेमा A=BQ+R में R=0 होगा जब क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये होगा इसका आंसर। ओके तो चलिए आगे देखते हैं कि 20 नंबर में क्या है। तो 20 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो मौसो ए बी बराबर मौसो कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूँ, इसका जो है आंसर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो गया ए नंबर, ए नंबर इसका आंसर हो गया क्या हुआ बी आर। तो चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर में क्या होगा। तो 21 नंबर में इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका आंसर है बी नंबर मौसो। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगला इसका क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आगे देखिए इसका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का मौसो, यदि दो संख्याओं का मौसो 15 और 930 है तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इसका गुणनफल कितना होगा। तो आप लोग 22 नंबर का आंसर बता सकते हैं, तो इसका होगा आंसर। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या है। आंसर है ए नंबर में 450, आंसर क्या है 450। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है 23 नंबर में कि प्रत्येक, 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपको पूरा बता देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है कि ये आप लोग अपना से पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को आउट करा रहा हूँ, इसका आंसर है बी नंबर, बी नंबर में इसका आंसर है। ओके तो यहाँ पे देखिए यह है इसका आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं कि यह 2n रूप का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 6 नंबर में क्या है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है क्वेश्चन कि 6250 के आवाज गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आंसर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर का यह है आंसर। तो आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं इसको। तो चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर में क्वेश्चन है इसका, 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। 25 नंबर का क्वेश्चन है क्या ए और बी र क्या है र अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो बराबर मौसो ए बी बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी नंबर में ए, बी नंबर में इसका आंसर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्या है आंसर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर क्या है इसका आंसर है ए ठीक ना, 15/1600। तो चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर में क्या है। 27 नंबर का क्वेश्चन है इस तरह से कि आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, आप लोग आंसर भी देख लिए होंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए यदि नहीं देखे तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा आंसर, आप लोग बी नंबर में देखे होंगे, इसका आंसर हो गया ये ठीक, एक परिमेय संख्या। तो चलिए 28 नंबर में देखते हैं कि 28 नंबर में क्या है। वाह क्या मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि 2.121 क्या है 2.121112111 फिर 1111112 डॉट 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 है। तो यह क्या है, यह क्या कौन सा संख्या होगा। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को रिव्यू करा रहा हूँ। तो इसका आंसर सी नंबर का होगा, सी नंबर का इसका आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं ये होगा इसका आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं अगला इसका क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हैं।
तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही है। तो यहाँ पे देखिए 28 तक करा दिए हैं, तो वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर में इतना ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था। जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था वह आपको करा दिए हैं। और अब बहुपद वाले जो है ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव कराएंगे। यदि आप लोग वह भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और 2022 सेंटअप एग्ज़ाम अर्थात सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व अभी से करा रहे हैं, क्योंकि वह वायरल क्वेश्चन आउट हो चुका है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बहुपद वाले ऑब्जेक्टिव में। तो आज के लिए इतना ही।